26 वाइल लूप। एच वन में लगा दिया वाइल लूप। अब मैं स्क्रिप्ट लगा के यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। अच्छा, सब लोगों की तवज्जो है इधर। हाँ यार, ये बटन, अच्छा ये हो गया है, ये क्या है, क्यों नहीं है, अभी कर देता हूँ दोबारा इसको। अच्छा भाई, तो अब वाइल लूप जो है वो क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वाइल लूप को लिखा कैसे जाता है, वाइल लूप को लिखने का सिंटैक्स क्या है। तो इसका सिंटैक्स है वाइल और ये ब्रैकेट, ये इसका सिंटैक्स है, दैट्स ऑल। अच्छा, ये जो मैंने वाइल लूप लिखा है, सबसे पहले तो है कीवर्ड इसका। अच्छा, उसके बाद इसके फॉर लूप में क्या होता था, तीन होते थे, इसमें तीन नहीं होता, इसमें जस्ट एक होता है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे मिलेगा ना ट्रू, ये इसकी कंडीशन की ब्रैकेट है, इसमें जस्ट एक ही कंडीशन की ब्रैकेट होती है। इसको अगर यहाँ पे मिलेगा ना ट्रू, तो ये क्या करेगा, बॉडी को एक दफ़ा चलाएगा, उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अगर वो अभी भी ट्रू है तो फिर चला देगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात। वाइल लूप क्या करता है, सबसे पहले ये, अच्छा यहाँ पे कंडीशन तो कोई लगाए ना, अभी ट्रू लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ ट्रू तो ये क्या है, इनफाइनाइट है। अगर ऐसे ट्रू लिखा हुआ है तो जाहिर है कभी भी फॉल्स नहीं होगा, हमेशा इनफाइनाइट चलता रहेगा लूप वो। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने कहा लेट और आई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, आई को मैंने शुरू में ज़ीरो रखा और मैंने कहा कि आई जब तक छोटा रहे 10 से, ठीक है, आई जब तक छोटा रहे 10 से क्या करो आप, चलाते हो। अच्छा, अभी भी ये कोड क्या है, इनफाइनाइट है, क्यों, क्योंकि आई से मैंने ये तो बोल दिया कि आई जब तक छोटा रहे, लेकिन आई में इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा कहीं, तो आई तो हमेशा ज़ीरो रहेगा, तो ये अभी भी इनफाइनाइट है। ये सबको समझ में आ रहा है सब लोगों को, क्योंकि फॉर लूप आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो वाइल में अब कुछ ऐसा खास है नहीं जो आपको डिटेल में समझाया गया, ठीक है। अच्छा, तो आई मैंने एक वेरिएबल बना दिया, एक कंडीशन बना दी यहाँ पर, और ये चलता रहेगा। अच्छा, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई में प्लस प्लस भी कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो फॉर लूप में जो काम हो रहा था ना, सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, सही है, सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो उसके लिए तीन खाने नहीं बने हुए, इसके अंदर खाना सिर्फ एक ही है, कंडीशन चेकिंग वाला, और ये इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट ये आपको खुद करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, इससे हमें ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है, अगर ये वाइल लूप को मैं रोक देता हूँ और वाइल लूप की जगह अगर मैं फॉर लूप लगाता हूँ, अगर वाइल लूप की जगह मैं फॉर लूप लगाता हूँ, और फॉर लूप का पहला और आखिरी, इसमें तीन खाने होते हैं ना, अगर मैं सिर्फ दरमियान वाला खाना यूटिलाइज़ करूँ तो ये असल में वाइल लूप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो फॉर लूप एक कंस्ट्रक्ट है, वाइल लूप भी एक कंस्ट्रक्ट है, ये दोनों आपके लिए बनाकर दिया गया है, थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा फ़र्क दोनों में नहीं है। वाइल लूप अगर आपको नहीं भी आता हो, मतलब वाइल लूप का अगर नहीं पता हो, तो फॉर लूप के ज़रिए भी वाइल लूप वाला काम आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि बुक में आपके मौजूद है, क्योंकि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में ये आता है, तो इसलिए आपको वाइल लूप यहाँ पे अलग से पढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज़ अगर ये ना भी आपको पढ़ाया जाए, तो फॉर लूप से आप वो सारे काम कर सकते हैं जो वाइल लूप से होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके यहाँ लिख दूँ ना कि आई जब तक छोटा हो 10 से, तो ये सेम काम मैंने फॉर लूप से कर दिया, ठीक है। अभी ये जो वाइल लूप से काम हो रहा था, ये सेम काम मैंने फॉर लूप से कर दिया, कोई दोनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन क्या कि एक अनदर कंस्ट्रक्ट है ये, तो इसलिए आपको ये अलग से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं ये फॉर वाला जो कोड है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करके इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा, तो ये फॉर लूप से वही काम हुआ है, और ये वही काम वाइल लूप को मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, और वाइल लूप को ओपन करके जो है ना, अब मैं ये देखता हूँ कि ये सब वाइल लूप इस्तेमाल कहाँ होता है। हेलो हेलो हेलो
आवाज़ नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ पर हो। अच्छा चलो सही है, मैं फ़ोन कर लूँगा आते हुए। चलो अल्लाह हाफिज़। असल में चार्जर अपना छोड़ कर आ गया था, मैं इसलिए फ़ोन कर रहा था कि केबल तो मैंने रखी थी, चार्जर छोड़ आया था। देखो सर टेबल पे पड़ा हुआ है, या तुमने देखा है तो मुझे जस्ट मैसेज करके बता। अच्छा जी, अच्छा तो ये वाइल लूप का हमने क्या सीख लिया? सिंटैक्स हमने सीख लिया है कि ये वाइल लूप का सिंटैक्स असल में काम करता कैसे। इसमें किसी का कोई सवाल? अच्छा इसको चला के भी देख लेते हैं, ये जो वाइल लूप का कोड लिखा हुआ है कितनी दफ़ा चलना चाहिए, ये हेलो वर्ल्ड कितनी दफ़ा स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हेलो वर्ल्ड के साथ ना कॉमा लगा के मैं ये आई को भी प्रिंट करवा देता हूँ ना, ठीक है। तो आई में सब में जब पहली दफ़ा ये चलेगा तो आई में क्या प्रिंट होगा? जीरो प्रिंट होगा, ठीक है। और जब ये आखिरी दफ़ा जब चलेगा तो आई में क्या प्रिंट होगा? नौ प्रिंट होगा। जैसे ही नौ के बाद ये प्लस प्लस हो के आई दस हो जाएगा ना, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर ये दोबारा उसको नहीं चलाएगा, ठीक है। अच्छा सेव किया इसको मैंने, और इस कोड को मैं चला के देख लेता हूँ। कॉपी पाथ यहाँ पे आके पेस्ट किया मैंने और एंटर किया। कंसोल पे किया, अब देखें जीरो से लेके नाइन तक प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा ये तो हो गई सिंटैक्स की बात, इस पूरे कोड को मैं अब रोक देता हूँ। मैंने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया कि आप फॉर लूप से वो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप भी एक जस्ट अनदर कंस्ट्रक्ट है जो आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा अब हम ये देखते हैं कि इसको इस्तेमाल आमतौर पे कहाँ किया जाता है। अच्छा इमेजिन करें कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो पूरा चल जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो बोलता है कि भाई आपको क्या ये प्रोग्राम दोबारा रन करना है। अगर आप बोलते हैं हाँ तो वो दोबारा चल जाता है, अदरवाइज वो एंड हो जाता है। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगेन वो काम फॉर लूप से भी हो सकता है, क्योंकि हमने देख लिया फॉर लूप और वाइल लूप में दोनों में वो काम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वाइल लूप आमतौर पर उस जगह पर बनाया जाता है। अच्छा तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा भाई एक छोटा सा हम कोई नंबर गैसिंग गेम बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्या बोला हमने? हमने कहा भाई प्रॉम्प्ट है ना, पूछना पड़ेगा यूज़र से, प्रॉम्प्ट लेट यूज़र यूज़र गैस। गैस अ नंबर बिटवीन 1 से लेके 10 तक, सही है। अच्छा फिर मैं एक 1 से लेके 10 तक का ना नंबर जनरेट भी करवा लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि रैंडम नंबर फ्रॉम 1 टू 10 इक्वल्स टू, मैंने 1 से 10 तक का ना एक रैंडम नंबर क्या करवा लिया है, जनरेट करवा लिया है प्रोग्राम शुरू होते ही, ठीक है। ये वाला कोड आप सब लोगों को पता है क्या कर रहा है, ये मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 से 9 तक का। तो उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है वो अगर 0.999 करेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैथ डॉट फ्लोर किया यार, ये तो 9 होगा हमेशा। मैथ डॉट इसको सील कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रैंडम नंबर पूरा वन देता है, कभी पूरा वन भी दे सकता है। एक मिनट देख लेते हैं यार, मैथ डॉट रैंडम
जावा स्क्रिप्ट, अभी मैं भूल गया हूँ कि वो 0.99 तक देता है या पूरा 1 तक देता है। रिटर्न वैल्यू क्या है? अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, सूडो रैंडम नंबर फ्रॉम 0 and 1 एक्सक्लूसिव। 0 इंक्लूसिव है कि 0 देगा और 1 एक्सक्लूसिव है, 1 पूरा नहीं देगा। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पता है ना तुम लोगों को? इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये होता है कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना कि छुट्टी जो है वो 1 से लेके 5 तारीख तक है, ठीक है, तो 1 से लेके 5 तारीख में अगर 1 जो है अगर वो इंक्लूसिव है तो उसका मतलब है 1 तारीख को छुट्टी है, ठीक है, और अगर उसमें 5 इंक्लूसिव है अगर, तो इसका मतलब है 5 तारीख का पूरा दिन भी उसमें इंक्लूड है। अगर एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 5 तक छुट्टी का मतलब है 5 को आना है, एक्सक्लूसिव का मतलब ये है। तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जो लास्ट वाला जो एज है वो भी शामिल है या उससे शुरू होगा। मिसाल के तौर पर आपका एग्जाम कितने बजे से कितने बजे तक होता है आमतौर पर? 9 से 12, लेकिन 12 उसमें इंक्लूसिव होता है क्या? नहीं। 11:59 पे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। अगर तो 12 इंक्लूसिव होता तो इसका मतलब क्या होता? 12:59 तक चलता आपका, यानी पूरे 12 पूरे पे चलता, लेकिन वो असल में 9 से 12 बोला जाता है लेकिन असल में वो 9 से 11 होता है, ठीक है। 12 जो है वो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव होता है। तो इसी तरह ये 1 जो है ना, ये 0.999 तो देगा ही, ये 1 पूरा नहीं देगा, सही है। अच्छा, हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट हम कैसे करके देखेंगे? math.random कौन सी वाली राइट? सही तो है यार। ये ना इसका सीन पता है क्या है? सही है, चलो सही है तो बेटी। अच्छा, मैथ डॉट रैंडम मैंने एंटर किया, अभी मैं मल्टीपल टाइम्स चलाकर देखूंगा क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, तो अगर तो इसको ये देना होगा ना 1, तो ये दे देगा मुझे। 20-25 दफ़ा चलाऊंगा तो 1 इसको मुझे दे देना चाहिए। 91-94 तक तो इसने दिया है मुझे। देखो 0.99 तक भी इसने मुझे दे दिया है लेकिन 1 अभी तक इसने मुझे नहीं दिया। नहीं, पूरा 1 इसने मुझे अभी तक नहीं दिया। हाँ, नहीं नहीं असल में हमें नंबर गैस करना था 1 से लेके 10 तक का ना, तो मैंने ये कोड देखा कि यार ये मैंने जो कोड लिखा है इसमें 10 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 0.999 हुआ और उसको मैं सील तो अभी मैंने लगाया ना, पहले तो फ्लोर लगा हुआ था, फ्लोर हमेशा नीचे लाता है, तो अगर 0.999 होगा ना तो उसको वो कहाँ ले जाएगा? उसको पहले तो वो 0.99 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। 0.99 अगर 10 से मल्टीप्लाई हो 10 दफ़ा हो तो उसका आंसर 10 थोड़ी आएगा, उसका आंसर होगा 9 point something होगा, और 9 point something पे अगर लगेगा फ्लोर तो हमेशा उसको वो नीचे लेकर जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको सील कर दिया है फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सील करने से लेकिन एक मसला और होगा मेरे पास, नहीं फ्लोर ही सही था यार, पहले मैंने सही कोड लिखा था। रीज़न क्या है? आखिर मैं 1+ भी तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सही है कोड, सही है मेरा, गलत नहीं लिखा था मैंने। अच्छा, तो यहाँ से क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 9 होगा, और प्लस आखिर में मैं 1 कर रहा हूँ तो वो 10 होगा। हाँ, तो मेरा कोड सही है, 0 से लेकर 10 तक ही होगा इसमें। अच्छा, पहले तो मैंने क्या कर लिया, एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया, गैस कर लिया, एक जनरेट कर लिया 1 से लेकर 10 तक का। फिर मैंने बोला यूज़र से कि भाई आप क्या करो, गैस करो उस नंबर को, ठीक है। अच्छा, अभी मैं उसको लूप में नहीं लिख रहा, अभी मैं जस्ट उसको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं प्रोग्राम पहले तैयार कर रहा हूँ, फिर इस प्रोग्राम जब मेरा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं सोचूंगा कि उसको मुझे लूप में कैसे डालना है, वाइल लूप में या फॉर लूप में, कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो तो मुझसे यस नो पूछे और दोबारा उसको रन कर दे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इफ़, ठीक है। अच्छा, इफ़ में मुझे ज़ाहिर है प्रॉम्प्ट को नंबर में कन्वर्ट करना होगा, इसके लिए मैंने छोटा सा चुन्ना वन्ना सा प्लस लगा दिया यहाँ पे। मैंने कहा अगर रैंडम नंबर क्या हो जाए,
इक्वल्स इक्वल्स हो जाए जो नंबर बंदे ने गैस किया उसके, तो यू गैस द नंबर और यू डिडंट गैस द नंबर, ठीक है। या अगर मैं लगा देता हूँ इसमें के करेक्ट गैस और साथ में रॉन्ग गैस या इनकरेक्ट गैस, ये मैंने दिखा दिया। अब इतना काम करने के बाद ना ये पूरी बात तो हो गई, अब मुझे यूजर से पूछना है कि वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, ये मुझे पूछना है। अच्छा अब मैं ये कैसे करूँगा, मैं एक और प्रॉम्प्ट चाहिए होगा मुझे, ठीक है, और अपना अगेन। अच्छा प्रॉम्प्ट के अलावा भी ना एक चीज़ होती है आपके पास कन्फर्म के नाम से, वो अभी तक हमने देखी नहीं थी और वो भी आमतौर पर यूज़ इतना नहीं करते क्योंकि ज़ाहिर है वो भी ब्लॉकिंग है प्रॉम्प्ट की तरह, वो भी ब्लॉकिंग कोड है, ठीक है। तो उसमें कन्फर्म होता है, कन्फर्म आपको क्या दे रहा होता है, कन्फर्म आपसे ना यानी जब ये मैसेज लिखा हुआ आता है और साथ में ना यस और नो का बटन आ जाता है, अगर आप यस करते हैं तो ट्रू देता है, नो करते हैं तो फॉल्स दे देता है, सही है। तो कन्फर्म एक ये चीज़ है। अच्छा कन्फर्म ब्लॉकिंग कोड है, आमतौर पे यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आमतौर पे जैसे फाइल कोई डिलीट हो रही है तो उससे पहले आप पूछते हैं, ठीक है। इस तरह की कोई भी क्रिटिकल ऑपरेशन है तो उससे पहले आप कन्फर्म लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। बाय द वे अभी कन्फर्म यूज़ नहीं करते तो फिर क्या करते हैं, जो UI के फ्रेमवर्क्स हैं उसके अंदर मॉडल करके एक चीज़ होती है वो आमतौर पर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ब्लॉकिंग नहीं होता, काम सारा वो भी यही कर रहा होता लेकिन वो ब्लॉकिंग नहीं होता। अच्छा ये मैंने लगा दिया, इज प्ले अगेन, ये मैंने वेरिएबल का नाम रखा है इज प्ले अगेन, ये मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया, ठीक है। अच्छा जाहिर है ये वेरिएबल मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा अब मैं लिखता हूँ एक अदद वाइल लूप, ये मैंने वाइल लूप लिखा और इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, वाइल लूप के अंदर कर दिया पूरे को, मैंने इस पूरे कोड को मैंने वाइल लूप के अंदर कर दिया। अभी ये कोड क्या है, अभी ये कोड इनफाइनाइट है, अभी ये कोड क्या है इनफाइनाइट है। अच्छा अब ये इज प्ले अगेन है ना, जो इसको मैंने यहाँ इस पर डाल दिया इस प्ले अगेन, ठीक है। अच्छा शुरू में इसमें क्या मौजूद है, कुछ भी नहीं है शुरू में, तो अनडिफाइन है ये तो बना ही अंदर जाके बाद में, तो इसलिए मुझे ये वेरिएबल डिक्लेयर इससे पहले करना होगा मुझे, मैं यहाँ पे आके मुझे बताना होगा लेट इज प्ले अगेन इक्वल्स टू ट्रू। जाहिर है शुरू में मुझे ट्रू रखना होगा इसको, जब ही तो चलेगा ही, अदरवाइज तो पहली दफ़ा में ही फॉल्स हो जाएगा। ये आया ट्रू आ गया, इसमें इज प्ले अगेन यहाँ पे ट्रू मिला इसको, इसका मतलब है वाइल का जो लूप है वो अपनी बॉडी को एक दफ़ा चलाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रू मिला है इसका मतलब है कि वाइल का लूप अपनी बॉडी को एक दफ़ा चलाएगा, एक दफ़ा चला फ़ौरन से नंबर गैस हो गया, उसके बाद यूज़र से पूछा गया कि चलो भाई अब तुम गैस करो। अच्छा जैसे ही यूज़र ने एंटर किया नंबर उसको मैंने इफ़ लगा के चेक किया करेक्ट था या इनकरेक्ट था, मैंने बता दिया। बताने के बाद फिर मैंने यूज़र से पूछा कि भाई वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, अब इसमें मुझे ट्रू फॉल्स मिलेगा, पहले इस वेरिएबल में ट्रू था लेकिन अभी मैं एक नई वैल्यू रखवा रहा हूँ, अगर यूज़र ने ट्रू दिया तो दोबारा चल जाएगा ये, ठीक है। अगर फॉल्स दिया, जो भी दिया ट्रू या फॉल्स, अब यहाँ पे जब ये बॉडी ख़त्म होगी ना तो ख़त्म होने के बाद ये दोबारा इस जगह पे जाके इसको चेक करेगा, इस वेरिएबल में अगर ट्रू हुआ तो दोबारा चल जाएगा, फॉल्स हुआ तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यूज़र जितनी दफ़ा ओके करता रहेगा वो चलता जाएगा, वो कभी भी नहीं रुकेगा, जब बंदा कैंसिल करेगा तो वो फिर रुकेगा। इसको अब ज़रा चला के देखते हैं, वैसे ये कोड समझ में आ रहा है सबके, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। अच्छा इस वाइल लूप की जगह पर मैं फॉर लूप भी लगा सकता था, सब लोग एग्री करते हैं इससे, अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता तो मैं कैसे लगाता, मैं लिखता फॉर, सही है, सिर्फ दरमियान वाली ब्रैकेट में मैं क्या लिखता इज प्ले अगेन, ठीक है, सिर्फ दरमियान वाली ब्रैकेट को यूज़ करता हूँ। सही है, इसको मैं रोक देता हूँ कोड को, अगर मैं वाइल की जगह फॉर लूप लगाता तो मैं ये इस तरह करके लिखता सेम वही चीज़ अचीव होती,
दरमियान वाला सिर्फ इस्तेमाल करता मैं पोर्शन जहाँ पे कंडीशन चेकिंग होती है, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट तो इसमें हो ही नहीं रहा, इस केस में ज़रूरत ही नहीं है मुझे उस चीज़ की, ठीक है। तो वाइल लूप भी क्या है, एक कंस्ट्रक्ट है बिल्कुल फॉर लूप की तरह। फॉर लूप में तीन पैरामीटर है, इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है। अच्छा, अब इसको हम चला के देख लेते हैं भाई, कॉपी पाथ। अच्छा ये चला भाई, गैस अ नंबर फ्रॉम 1 to 10। अच्छा इस पॉइंट पे नंबर पीछे गैस हो चुका है, मैंने कहा 5, ओके करेक्ट गैस, क्या बात है भाई। अच्छा अभी कंसोल भी करा लेते हैं कोई, अच्छा क्या बात है भाई, करेक्ट गैस। अच्छा करेक्ट गैस हो गया, अब मैंने किया ओके। ओके के बाद इसने पूछा ना, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, मैंने कहा ओके। देखो दोबारा से आ गया, फिर गैस करो, मैंने कहा 8, 8 लगा के मैंने ओके किया, इनकरेक्ट हो गया इस दफ़ा, फिर मैंने ओके किया। अच्छा इस दफ़ा इसने पूछा ना, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, मैंने कह दिया कैंसिल, ख़त्म, ठीक है। अच्छा इस तरह के प्रोग्राम तो खैर जावास्क्रिप्ट में नहीं बनते, ये मैंने जस्ट एज अ एक्सरसाइज आपको ये करवाया है, लेकिन प्रोग्रामिंग में आपको कहीं ना कहीं पर ज़ाहिर है लूप चलाने की जब ज़रूरत पड़ती है तो मुख्तलिफ सिचुएशन आती हैं, तो एक वाइल लूप भी जस्ट अनदर कंस्ट्रक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये है। ऐसा ना हो कि आपके सामने वाइल लूप आए, आप कहें यार ये कौन सा लूप है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट ये पढ़ाया, वरना यही सेम काम फॉर लूप से भी हो। अच्छा अगर मैं वाइल को थोड़ी देर के लिए कॉमेंट कर दूँ, ठीक है, और ये फॉर वाले को ओपन कर दूँ, ये वाइल वाले को मैंने रोक दिया है और ये फॉर लूप शुरू है, ये फॉर लूप की ब्रैकेट शुरू और यहाँ ख़त्म, सही है। तो इससे भी मैं जब करूँगा तो काम सेम वही होगा। वो असल में तीन इसमें पोर्शन होते हैं ना, सही है। ये पहला पोर्शन है जो कि मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ये सेकंड पोर्शन है कंडीशन चेकिंग, और ये थर्ड पोर्शन है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो तीनों ऑप्शनल है, हम ये देख चुके थे फॉर लूप के टाइम पे कि तीनों पैरामीटर्स ये ऑप्शनल होते हैं, मैंने एक दिया है बाकी दो नहीं दिए, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कोड मेरा ये इस वजह जब मैं फॉर्मेट करता हूँ ना तो वो चपका देता है उसको, समझ रहे हो। अगर मैं ये सेमी कॉलन इसको नहीं दूंगा ना तो ये एरर दे देगा, क्योंकि फॉर लूप को ना ये चाहिए लाजमी, क्योंकि तीन पोर्शन अलहदा अलहदा उसको चाहिए लाजमी। जी दोस्त, ये देखें रैंडम नंबर जनरेट करने का ना ये एक तरीका है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये 19 नंबर फोल्डर जो है ना आपका जनरेटिंग रैंडम नंबर, इस पॉइंट पे हम ये रैंडम नंबर जनरेट करना सीख चुके हैं। अच्छा मैं बता देता हूँ लेकिन आपको, देखो ये जो मैथ डॉट रैंडम है ना, ये 0 से लेके 9 तक का एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, 0.54 0.3 कुछ भी देगा आपको ये। उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके ना, इसका एक तरीका होता है, ये नंबर को मैं स्केल अप कर रहा हूँ, सही है। जो 0 से लेके 9 तक है उसको मैं 1 से लेके 10 तक बनाना चाह रहा हूँ, तो स्केल अप कर रहा हूँ। अच्छा अब जाहिर है ये जब मल्टीप्लाई करने के बाद भी ना ये आंसर मेरे पास आएगा पॉइंट्स में, तो वो पॉइंट को ख़त्म करने का ये तरीका होता है सील और फ्लोर। तीन फंक्शन होते हैं पॉइंट को ख़त्म करने के, एक मैथ डॉट राउंड जो इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है कि या ऊपर ले जाएगा या नीचे ले आएगा, सील हमेशा ऊपर लेके जाता है, फ्लोर हमेशा नीचे लेकर आता है, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर पे, ठीक है। एक पार्स एंट भी है, वो बिल्कुल ही हटा देता है, वो एक काउंट ही नहीं करता कि आगे 9 है जो भी है, बिल्कुल हटा देता है, ठीक है। तो वो भी सील, वो भी फ्लोर के इक्वेलेंट है अगर पार्स एंट में करता हूँ तो। उसके अलावा एक ट्रंकेट करके भी शायद है, वो भी बिल्कुल हटा देता है, वो भी कंसिडर नहीं करता है कि पॉइंट के बाद क्या नंबर है, नहीं है, बस उसको रिमूव मार देता है। तो मैथ डॉट फ्लोर यहाँ पर हमने यूज़ किया। अच्छा तो ये मैंने ना वाइल को रोक दिया, फॉर लूप लगा दिया यहाँ पे, फिलहाल सेम वही फंक्शनैलिटी मुझे अचीव हो जाएगी। ओके 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 कैंसिल, अबे भाई ये कितनी बार चलेगा, सही है वो लूप में फंस गया था। तो अब मैंने इसको रिफ्रेश किया सेव करने के बाद, ताकि फॉर लूप वाला कोड रन हो रहा। अच्छा इसने मुझसे कहा नंबर गैस करो, मैंने कहा 5, एंटर, इनकरेक्ट गैस आ गया। ओके किया मैंने, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, यस, मैंने उसके बाद कहा 3, ओके, इनकरेक्ट गैस, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, ओके, अब मैंने कहा 4, ओके, इनकरेक्ट, ठीक है, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, कैंसिल, ख़त्म, ठीक है। तो फॉर लूप से भी सेम फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है मेरे पास जो वाइल लूप से हम कर रहे होते हैं। नहीं अंदर नहीं करवा सकते ना, फिर बाहर मिलेगा नहीं, करके देख लेते हैं। आ जाओ जब यहाँ पे मैं लेट अंदर करूँगा ना,
फॉर लूप में अगर हम करते हैं तो इनिशियलाइजेशन वाले में भी करवा सकते हैं। सही बात सर, वो इंक्रीमेंट तो वैसे ही बाद में होता है, तो वो इस प्ले वाला काम भी हम वहां पर करवा सकते हैं इंक्रीमेंट वाले पार्ट। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। एक जो तुम कह रहे हो ना वो मैं एक बिल्कुल कमेंट करके नीचे लिख देता हूँ, वो बात सही है। बिल्कुल कमेंट करके ना इसको, इसने जो बात की है ना भाई बड़ी अच्छी बात की है। ऑनलाइन वाली अटेंडेंस थी आपने शेयर कर दी थी, सुनील भाई को भेजी थी, तुम्हें भेज दूँ अगर है तो मुझे व्हाट्सएप भेज देता हूँ, अभी आता हूँ क्लास के बाद। सही, और अभी जाते हुए ना बच्चों बोल दिन अटेंडेंस लगाते हुए चले जाइएगा, अभी हुई नहीं है। अच्छा जाते हुए अटेंडेंस लगाते हुए जाइएगा, अभी हुई नहीं है। अच्छा इन्होंने ये कहा कि यार इसमें ना अगर मैं फॉर लूप इस्तेमाल करता हूँ इसके अंदर, तो फिर मैं क्या करूँगा इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट के अंदर ये जो वेरिएबल मैं बाहर बनाता था ना, ये मैं इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में भी तो बना सकता हूँ। तो इसका जवाब है हाँ बना सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में ये बना दिया। फिर इन्होंने कहा कि यार वो जो प्रॉम्प्ट आप ले रहे हैं ना, कन्फर्म जो आप ले रहे हैं, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट में भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल सही है, हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन है, इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट जो भी लिखूंगा ना वो चलेगी, वो रिगार्डलेस कि उसमें क्या लिखा हुआ है वो चलेगी। ठीक है, तो ये जो इज प्ले अगेन वाला काम है ना, ये मैं इसको कट करके यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पोर्शन में लाके पेस्ट कर देता हूँ। सही है, ऐसे भी ये चल सकता है अगर चाहें तो चलाना। अच्छा मैं तीन लाइनों में इसको ब्रेक कर रहा हूँ। सही है, इसको मैं तीन लाइनों में ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये मेरा फॉर लूप है, ये मेरा फॉर लूप है, ये इसका पहला पार्ट है, उसके बाद सेमी कॉलन, ये उसका दूसरा पार्ट है, उसके बाद सेमी कॉलन, और ये उसका तीसरा पार्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। ठीक है, ऐसे भी चाहें तो कर सकते हैं। ये समझ आ रहा है ना सब लोगों को क्या हुआ है ये? क्योंकि हमने जब इसको पहली दफ़ा फॉर लूप को पढ़ा था तो हमने ड्राई रन किया था, हमने ये देखा था कि फॉर लूप जब चलता है तो ये वाला जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ये सिर्फ पहली दफ़ा चलता है, दोबारा ये कभी भी नहीं चलता, तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। उसके बाद ये कंडीशन चेकिंग है, ये हर दफ़ा चेक करता है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी को एक बार रन करता है, बॉडी को एक बार रन करने के बाद ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको एक बार रन करता है। तो जब लास्ट वाले पार्ट को रन करेगा तो ये कन्फर्म चलेगा और ये इस वेरिएबल को अपडेट कर देगा ट्रू या फॉल्स जो भी बंदा देता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गया। अब अगले साइकिल में इनिशियलाइजेशन नहीं चलेगी, डायरेक्ट कंडीशन चेक होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से भी किया जा सकता है, जस्ट अनदर वे। ठीक है, इसको मैं चला के फिर इसको मैं कमेंट करके यहीं पे छोड़ देता हूँ, लेकिन जो अभी पढ़ाने का मकसद था वो था वाइल लूप, तो मैं वाइल लूप को ही दोबारा अनकमेंट कर देता हूँ। अच्छा रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, 1 से 10 तक नंबर, मैंने कहा 3, ओके इनकरेक्ट गेस, डू यू वॉन्ट टू रन अगेन, मैंने कहा ओके, 1 से 10 तक नंबर, मैंने कहा 6, इनकरेक्ट गेस, डू यू वॉन्ट टू रन अगेन, ओके, अब मैंने कहा 1, ओके करेक्ट गैस, क्या बात है, 2 करेक्ट गैस लगे हैं मेरे, 10 दफ़ा में से कोई। अच्छा अब डू यू वॉन्ट टू रन अगेन, मैंने कहा कैंसिल, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये वाला काम फॉर लूप से भी किया जा सकता है, बट वाइल लूप इज स्टिल देयर अगर आपको कभी चाहिए हो तो। ठीक है, अच्छा ये वाला जो कोड है ना, वाइल लूप वाला जो कोड था वो इसके नस्बत थोड़ा सा क्लीन था मुझे ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है वाइल लूप का कोड मैसी हो और ये क्लीन हो। ठीक है, अच्छा दोनों कंस्ट्रक्ट हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि दोनों एक ही चीज़ है। असल में जावास्क्रिप्ट के अंदर ना जो लूप होता है, ठीक है, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में जो लूप होता है वो असल में लूप होता ही नहीं है, बैकग्राउंड में क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्जन। तो बैकएंड पे ना इसके, जब हम ये फॉर का लूप लिखते हैं तो बैकएंड पे इसके रिकर्जन चल रही होती है, तो ये फॉर लूप जस्ट एक कंस्ट्रक्ट है, ये हमेशा याद रखें, फॉर लूप कोई एक्चुअल चीज़ नहीं है। जब हम ये लिखते हैं तो पीछे इसका रिकर्जन चल रही होती है। अब रिकर्जन एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, एडवांस टॉपिक है, मौका मिला तो हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, लेकिन रिकर्जन वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, आप अलग से भी पढ़ सकते हैं बाद में।
वाइल लूप नहीं, ट्रू पे चलेगा ना, फॉल्स पे क्यों चलेगा? ट्रू मिलेगा तो चल जाएगा, फॉल्स मिलेगा तो नहीं चलेगा। शुरू में फॉल्स क्यों रखना होगा? ये मैंने शुरू में ट्रू रखा है, चल रहा है नहीं, मतलब शुरू में फॉल्स क्यों रखना होगा, ये मेरे समझ नहीं आया। हाँ तुम ये कह रहे हो कि मैं अपोजिट पे चलाना हो अगर मुझे, कि शुरू में फॉल्स हो तो मैं कंडीशन पे नॉट लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है? अगर ट्रू पे नॉट लगाते हैं तो फॉल्स हो जाता है। आप बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल पूछा, इन्होंने कहा यार अगर डेटाबेस से मेरे पास वैल्यू फॉल्स आ, जब तक फॉल्स है जब तक मुझे चलाना है, ठीक है, जब तक फॉल्स है जब तक मुझे चलाना है, ट्रू होने पे मुझे रोक देना है, तो फिर मैं वो कैसे करूँगा? तो उस पर नॉट लगा देंगे आप, जब तक ये फॉल्स रहेगी ना वैल्यू, जब तक ये चलेगा, जैसे ही ट्रू होगी बंद हो जाएगा। इसके इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पर आपको क्या करना है, कोई गेट, आप पार्किंग के आजकल गेट होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, तो पार्किंग या जो जो मेन गेट होता है आजकल घरों का, जो मतलब खुलता है तो गाड़ी अंदर जाती है मेन गेट, तो उसमें ये होता है कि उसमें मोटर वगैरह लगा रहे हैं आजकल लोग, IoT इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे उसमें मैंने बोला कि क्लोज गेट, अब क्लोज गेट में उसने क्या चेक करना है, उसने डेटाबेस से एक वैल्यू आएगी कि इज़ क्लोज्ड, वो आएगा फॉल्स। अब वो जब तक फॉल्स रहे, जब तक आपको लूप चला के ना मोटर को एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है, स्टेपर मोटर होते हैं वो, एक एक स्टेप करके चलते हैं। तो अब एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक स्टेप बंद, थोड़ा बंद होता है, थोड़ा बंद होता है, क्यों? वो इसलिए कि उसमें परसेंटेज का भी ऑप्शन होता है कि भाई फुल ओपन करना है या 50% ओपन करना है या 70% ओपन करना है, तो ये वाले भी ऑप्शन होते हैं। तो उसमें ये केस हो सकता है कि जब तक वो क्लोज इज क्लोज्ड में ट्रू ना आ जाए ना, जब तक उसको बंद करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते रहो। अच्छा बिल्कुल इसी तरह की एक चीज़ जो है ना, अच्छा ये फॉर वाला जो है ना, ये वन विलिंग, ये जो मैंने किया ना, ये वन विलिंग है, ठीक है, आमतौर पे लोग इस तरह नहीं करते लोग, जो कंस्ट्रक्ट जहाँ पे यूज़ होना होता है ना वहीं पे करते हैं, लेकिन आप इस तरह भी चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मैंने वाइल लूप वाला खोल दिया है और इसको मैंने कॉमेंट करके यहीं पर छोड़ दिया है, जस्ट इन केस अगर आप बाद में इसको देखना चाहें, सेव। अच्छा इसी तरह की एक चीज़ होती है डू वाइल, एक तो वाइल लूप था, एक है डू वाइल। मैंने कहा जी 27 और डू वाइल लूप, ठीक है। अच्छा डू वाइल जो है वो भी क्या है, एक कंस्ट्रक्ट है, लूप को चलाने के लिए एक कंस्ट्रक्ट है। तो टोटल तीन कंस्ट्रक्ट हमारी अभी नजरों से गुजर चुके हैं, नंबर एक फॉर लूप, नंबर दो वाइल लूप और नंबर थ्री डू वाइल लूप। अच्छा जो मैप है वो क्या चीज़ है, वो भी तो लूप चलाता है, मैप से भी तो लूप चलता है, वो क्या कंस्ट्रक्ट है, वो क्या है, वो एरे का मेथड है, सही है, वो भी लूप चलाता है, बैकग्राउंड में उसके भी कोई ना कोई चीज़ चली रही होगी ऑब्वियस, लेकिन जो मैप है वो कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो क्या है, एरे का मेथड है, ठीक है। अच्छा अब ज़रा इसका सिंटैक्स हम समझ लेते हैं डू वाइल का। डू वाइल का सिंटैक्स ये होता है कि पहले आप बोलते हैं डू और डू की एक ब्रैकेट बनाते हैं, उसके बाद आप लगाते हैं वाइल, कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ये डू वाइल का सिंटैक्स है, ठीक है। फॉर लूप को मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, अच्छा लेट आई एक वेरिएबल बना, जाहिर है लूप चलाने के लिए हमें कोई ना कोई एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होता है, उसके बगैर जाहिर है मुझे पता नहीं चलेगा कि कितनी बार चलाना है। अच्छा लेट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, उसके बाद ये जो डू की ब्रैकेट है ना, नो मैटर वॉट ये ब्रैकेट एक दफ़ा चलेगी चलेगी, ये ब्रैकेट एक दफ़ा लाजमी चलेगी, बगैर कुछ चेक किए, बगैर कुछ चेक किए ये ब्रैकेट एक दफ़ा चल जाएगी। अच्छा जब ये ब्रैकेट एक दफ़ा चल जाएगी उसके बाद ये ना इस वाली ब्रैकेट को चेक करेगा कि अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो एक दफ़ा और चला देगा, अगर फॉल्स है तो आगे बढ़ जाएगा, छोड़ देगा,
ठीक है, तो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या हुआ? वाइल और डू वाइल में डिफरेंस ये है कि डू वाइल जो है वो चेक नहीं करता, पहली दफ़ा में डायरेक्ट चलाता है वो बगैर चेक किए, सही है, और इस वजह से डू वाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, डू वाइल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, ये काम स्टिल मैं ये काम फॉर लूप से कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर लूप से मैं कैसे करूँगा? ज़ाहिर है मुझे अपना कोड एक फंक्शन में डालना होगा, ठीक है, उस फंक्शन को एक दफ़ा मैं वैसे ही चला दूंगा, फिर एक दफ़ा मैं फॉर लूप के अंदर करके चला दूंगा कंडीशन चेक करके कि भाई बंदा क्या कह रहा है। कर सकता हूँ मैं स्टिल, लेकिन ये कंस्ट्रक्ट मौजूद है आसानी के लिए आपके, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं वही प्रोग्राम ना जो हमने बनाया था अभी वाइल लूप से, वो डू वाइल लूप से बना लेते हैं, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, करके देखते हैं। अच्छा, सिंटैक्स इसका समझ में आ गया सब लोगों को? अच्छा, मैं ज़रा एक काम करता हूँ, इसका नीचे वाला कोड सारा ना कमेंट कर देता हूँ, और इतने को ना ज़रा हम चला के देख लेते हैं। अच्छा, आई को प्रिंट भी करवा देता हूँ यहाँ पे, आई को मैंने क्या किया, प्रिंट भी करवा दिया। जब पहली दफ़ा चलेगा तो आई में क्या होगा? आई में ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ये बगैर कुछ चेक किए उसको चला रहा है। अच्छा, जब ये एक दफ़ा चल जाएगी ये बॉडी, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन पहली दफ़ा में ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि आई में ज़ीरो है, टेन बड़ा है, आई छोटा है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये एक दफ़ा और इसको चला देगा, ठीक है, फिर उसके बाद चेक करेगा आई में इस वक्त क्या है, हाँ वन कैसे है, मैंने इंक्रीमेंट तो कहीं नहीं किया, अभी भी ज़ीरो है, फिर एक दफ़ा और चला देगा, फिर चेक करेगा आके अभी भी आई में ज़ीरो है। तो ये लूप क्या है? इनफाइनाइट, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट वाले जितने भी है ना इसमें इनफाइनाइट ठक हो जाता है फ़ौरन, ज़रा सा आपने आगे पीछे किया इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, जैसे मैं अभी इंक्रीमेंट लगाना भूल गया था, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट भी लगाना पड़ेगा, मतलब डू करते ही मुझे इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगाऊंगा तो जाहिर है फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, बार बार चेक करेगा, हर दफ़ा ट्रू मिलेगा, चलता चला जाएगा, ठीक है, खुद से रुकेगा ही नहीं। अच्छा, तो ये सिंटैक्स सब लोगों के समझ में आ गया, अब इसको हम क्या करते हैं, इतने कोड को चला के देखते हैं, कॉपी पाथ। अच्छा, इसकी हेडिंग भी चेक कर दो ना, डू वाइल लूप है ये, ठीक है, डू वाइल लूप, रिफ्रेश किया मैंने इसको, अब देखें ज़ीरो से लेके नाइन तक ये प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया ना, अब जैसे ही टेन होगा ये तो टेन लेस देन टेन ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, जब तक यहाँ पे आई में नाइन रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी चलता रहेगा, आखिरी जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, वो नाइन होगा, ठीक है, जैसे ही नाइन प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट लगेगा टेन हो जाएगा, और टेन पे ये फॉल्स हो जाएगा तो वो दोबारा नहीं चलेगा फिर। हाँ भाई, इसका सिंटैक्स समझ में आ गया मुझे, आप शक्लें थोड़ी सी ब्लैंक लग रही हैं, क्यों भाई, कुछ मुश्किल है क्या इसमें? देखो कुछ मुश्किल लग रहा है पूछ लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये हम सीखने बैठे हैं सब लोग, पहले से आता तो फिर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ भाई, इसका सिंटैक्स समझ में आ गया? कोई इशू, किसी किस्म का कोई मसला, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया मैंने? अच्छा, डिफरेंट सिनेरियो में आपको जो सूटेबल लगेगा वो आप यूज़ करेंगे, एफिशिएंसी तीनों की एक ही है, एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि तीनों कंस्ट्रक्ट हैं, तीनों के पीछे रिकर्जन चलती है, ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी बिल्कुल इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, कोड लिखने का अंदाज़ आपको जिसमें थोड़ा लग रहा है कि मेरा कोड क्लीन होगा, जिसमें आपको सोचने में बैलेंस मिल रहा है, जैसे मैंने वाइल लूप का बताया था कि जो चीज़ ट्रू फॉल्स आप लेते हैं उसी के आखिर में उसमें, ठीक है, डू वाइल में भी, डू वाइल भी इसी तरह होता है, कोई जैसे डू में ना एक प्रोग्राम है पूरा, वो आपने पहली, जाहिर है जो मैंने प्रोग्राम बनाया था नंबर गैसिंग है, वो पहली दफ़ा तो रन करना है ना एज इट इज़, पहली दफ़ा तो नहीं पूछना है ना उसमें कुछ, पहली दफ़ा एज इट इज़ रन करना है, जब रन हो जाए एक बार तो फिर चेक करना है कि भाई दोबारा भी चलाना है या नहीं चलाना है, तो डू वाइल का भी यूज़ केस कुछ इसी तरह का ही है, ठीक है। वैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे शायद 10 साल के करियर में ना डू वाइल लगाने की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी, ठीक है, लेकिन ये कंस्ट्रक्ट मौजूद है। जाहिर है मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वेब डेवलपमेंट के अलावा भी बहुत कुछ होता है, और ये डू वाइल और वाइल लूप जो है ये ऐसे कंस्ट्रक्ट हैं, ये तीनों कंस्ट्रक्ट जो है ना तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये तीनों कंस्ट्रक्ट मौजूद हैं।
सी में, सी प्लस प्लस में, सी शार्प में, जावा में, सी आपका और कौन सी है, पाइथन में भी है। हाँ पाइथन में भी है, और डू वाइल भी होगा उसमें यार, डू वाइल भी होगा। एक मिनट ना, अभी लिखूंगा ना डू वाइल इन पाइथन, ये रहा ना डू वाइल है तो एग्जांपल आ गया डू वाइल का। हाँ ये रहा ना डू वाइल का सिंटैक्स आ गया, और सिंटैक्स भी सेम वही है, देखो जावास्क्रिप्ट वाला है सिंटैक्स। अबे ये क्या, ये तो सी लैंग्वेज का कोड आ रहा है, स्टूडियो डॉट। नहीं पाइथन में डू वाइल का कंस्ट्रक्ट नहीं है वो, असल में उसने आर्टिकल में ये बताया हुआ है, शायद आर्टिकल में उसने ये नहीं बताया हुआ कि डू वाइल पाइथन में कैसे होगा। ठीक है, वो वाइल को ही उसने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ना डू वाइल में कन्वर्ट किया हुआ। सही है, पाइथन में डू वाइल वाला कंस्ट्रक्ट मौजूद नहीं है। वेल लेकिन सी, मैंने जो दुनिया में पहली लैंग्वेज जो मैंने पढ़ी थी वो सी लैंग्वेज पढ़ी थी, तो उसमें ये होता है। ठीक है, सी शार्प भी यूनिवर्सिटी में मौका मिला था पढ़ने का, तो उसमें भी होता है। थोड़ी सी जावा पढ़ी थी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के टाइम पर, एंड्रॉयड की ऐप जब सीख रहा था, तो उसमें भी ये होता है डू वाइल। तो जो मैंने जो लैंग्वेजेस पढ़ी उसमें तो मैंने देखा ही है। ठीक है, पाइथन मैंने पर्सनली कभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी, छोटे मोटे टास्क किए हैं लेकिन डिटेल में पाइथन लैंग्वेज मैंने नहीं पढ़ी अभी तक। वेल अब इसके सिंटैक्स में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है, बिल्कुल क्लियर है सिंटैक्स। इसकी फॉर लूप की जो बॉडी होती है या वाइल की जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी बिल्कुल वैसी है, लेकिन इसकी बॉडी पहली दफ़ा बगैर कुछ चेक किए एक दफ़ा चल जाती है, ये इसकी यूनिक बात है। उसके बाद ही कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा चल जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये रुक जाएगा। अच्छा, तो ये तो सिंटैक्स हमने देख लिया। अब ना वो जो हमने पहले प्रोग्राम लिखा था उसी को हम डू वाइल में लिख के चेक कर लेते हैं कि भाई डू वाइल में अगर ये काम होगा तो वो कैसे होगा। ठीक है, अच्छा लेट्स, ये वेरिएबल बनाने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है शायद इसमें, अब मुझे ये वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं इसको क्या लिखूँगा, अब मैं इसको बोलूँगा भाई डू हो तुम, पहले डू, ये इतना काम मुझे क्या करना है पहली दफ़ा में करवा देना है बगैर कुछ चेक किए। जाहिर एक दफ़ा तो रन करना है ना, गेम खेलने आया बंदा, उसको पहले एक दफ़ा तो गेम खिलाऊँ ना मैं, फिर उसके बाद पूछूँगा कि हाँ भाई दोबारा करना है नहीं करना है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आएगा वाइल, और वाइल के अंदर मुझे यहाँ पे लगानी है कंडीशन एक अदद। अच्छा, मैं ये भी कर सकता था जैसे पहले था ना, ये पहले कैसे था, बाहर वेरिएबल बना हुआ था, वो वेरिएबल मैं दोबारा बनाता हूँ, लेट प्ले अगेन इक्वल टू, अब इसमें मैं शुरू में फॉल्स भी रखवा दूँ तो खैर है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर ये वैल्यू इनपुट ले रहा है। ठीक है, और इसको प्ले अगेन को मैं यहाँ रखवा दूँगा। ठीक है, ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ लेकिन इस वेरिएबल की मुझे ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये समझ लो कि ये कैसे हुआ है, एक वेरिएबल बना, शुरू में इसमें फॉल्स था या अनडिफाइंड था, कुछ शुरू में क्या वैल्यू है अब रिगार्डलेस, अब वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहली दफ़ा तो ये बगैर कुछ चेक किए चला रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्ले अगेन में ना कन्फर्म लगा हुआ है, इसमें या तो ट्रू या तो फॉल्स इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा, सेव हो गया। अब उस वेरिएबल को मैंने वाइल पे लगा दिया, तो जब ये पहली दफ़ा ये बॉडी को कम्प्लीटली रन कर लेगा तो जब फिर ये इस वेरिएबल को देखेगा तो इसको पता चल जाएगा कि दोबारा चलाना है या नहीं चलाना है। ठीक है, लेकिन इमेजिन करो अगर मैं ये पूरा कन्फर्म का कोड यहाँ से कट करके और यहाँ ला के रख दूँ तो ये सही नहीं हो गया। देखो कंट्रोल जेड किया मैंने वापस, देखो ये जो कन्फर्म है ये मुझे क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। रिटर्न करने का मतलब क्या है कि ये लाइन पूरी खुद, हम शुरू से ये देखते हुए आ रहे हैं कि रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, वो चीज़ खुद गायब हो जाती है, उसकी जगह पे ट्रू आ जाता है या फॉल्स आ जाता है, ऐसे ही होता है ना। और मुझे वाइल की इस ब्रैकेट में क्या चाहिए, ट्रू या फॉल्स, ऐसा ही है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको लागे यहाँ रख देते हैं, इस वेरिएबल की अब मुझे ज़रूरत सिरे से है ही नहीं, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। ठीक है, अब ये डू की जो ब्रैकेट है एक दफ़ा चल गई बगैर कुछ पूछे, चल गई, गेम रन हो गया, करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी था वो उसने बता दिया। अब ये जब वाइल की ब्रैकेट में आएगा ना इधर,
जब ये वाइल की ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा, ये कोड चलेगा जाहिर है, ये कोड जब चलेगा तो इस ये खुद गायब हो जाएगा, इसकी जगह पे या तो ट्रू आ जाएगा या तो फॉल्स आ जाएगा। अगर ट्रू आया तो इसका क्या मतलब है कि ये डू वाली ब्रैकेट को दोबारा चलाना है, फिर दोबारा चेक करना है, अगली दफ़ा में फॉल्स आ गया तो बस अब ख़त्म यहीं पर। समझ आया? अच्छा, ये वाला कोड शायद डू वाइल में और क्लीन है, वाइल से भी ज़्यादा क्लीन है, ठीक है। तो क्लीन कोड जिसमें हम कर पा रहे हैं वो वाला कंस्ट्रक्ट हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा, स्टिल ये काम मैं फॉर लूप में भी कर सकता हूँ, लेकिन शायद फॉर लूप पहले ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ हुआ है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सही है, तो फॉर लूप वाले को मैं क्या कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। हाँ, वो पुराना वाला था ना, वाइल जो मैंने कन्वर्ट किया था ना वो वाला था, ये वाला नहीं था। अच्छा खैर, तो ये इसमें कोई सवाल किसी का? इसको फिर हम चला के देखते हैं। ये कोड जो मैंने लिखा हुआ है ये सब लोगों की समझ आ रहा है? इसको पढ़ लो लाइन बाय लाइन अच्छी तरह, ठीक है। इसको ड्राई रन कर लो अपने अपने ब्रेन में। जी हाँ, नहीं वो तो फिर केस ऐसा हो गया ना, वो तो फिर केस ऐसा हो गया कि डू, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई एक काम करना है, फिर कंडीशन चेक करनी है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक दूसरा काम आपको फिर रिपीटेडली बार बार करवाना है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे ये लिख कर बताता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सम कोड पहले चल जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या हो, वाइल लूप हो, सही है, एक अदद कंडीशन हो, सही है, और उस कंडीशन के अंदर ना सम अदर कोड हो, पहली दफ़ा में ये चले, और उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर ये सम अदर कोड जब तक कंडीशन ट्रू रहा है रेपिडली चलता रहा, तो ये कोड आपके सामने आ गया। तो इसका मतलब है ये जो शुरू वाला सम कोड है ये आप वाइल लूप में ये काम हो जाएगा, और शुरू वाला कोड वाइल लूप से पहले रखेंगे। नहीं, डू में इसको रखने का फ़ायदा नहीं है ना फिर, मतलब ये कोड एक ही दफ़ा चल रहा है ना ऊपर वाला, तो ये चल गया एक दफ़ा, मतलब अभी जो कोड स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसमें आपकी फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है ना, सही है। अच्छा, इस सम कोड के अंदर आपने ज़ाहिर है एक प्रॉम्प्ट भी ले लिया, सही है, एक प्रॉम्प्ट भी आपने इसके अंदर लिया हुआ है, और ये प्रॉम्प्ट जो है आप इसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पर डाल रहे हैं कि अगर ये प्रॉम्प्ट जो बंदे ने बोला है वो ट्रू है तो इस कोड को एक बार चला दो, ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर है फिर आप इसके अंदर ये प्रॉम्प्ट फिर आप दोबारा भी ले लेंगे, या प्रॉम्प्ट दोबारा ले लेंगे उसी में, तो ये आपका कोड रेडी हो चुका है जो आपने सवाल किया था, ठीक है। आपका काम जो है वो वाइल लूप में होगा, डू वाइल की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल? सही है, इस कोड को अच्छी तरह देख लें लाइन बाय लाइन, इसको अपने दिमाग में ना ड्राई रन कर लें इस कोड को। अच्छा, अब ज़रा इसको हम चला के भी देख लेते हैं कि ये वही रिज़ल्ट आ रहा है जो हम सोच रहे हैं, या कुछ मुख्तलिफ तो नहीं हो रहा कहीं। यहाँ पर आया मैं और ये डू वाइल वाली ब्रैक वाली खुला हुआ था, उसी को मैंने रिफ्रेश कर लिया, कह रहा है अच्छा एक नंबर गैस हो चुका है बैकग्राउंड में, एक वेरिएबल में जाके वो सेव हो चुका है, मुझसे कह रहा है गैस द नंबर बिटवीन 1 एंड 10।
मैंने कहा भाई 5, एंटर, इनकरेक्ट गेस, ओके, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, मैंने कहा ओके, दोबारा मैंने कहा 7, अब एंटर करो, इनकरेक्ट गेस, ओके, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, ओके, मैंने कहा भाई 8 इस दफ़ा, करेक्ट गेस, ठीक है, करेक्ट हो गया, अच्छा, फिर मैंने कहा ओके, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, मैंने कहा कैंसिल, ख़त्म यहाँ, सही है, आसान था, मुश्किल तो नहीं था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बुक में हमारे पास और क्या है इसके अलावा। अच्छा, 41 चैप्टर ये था हमारा वाइल लूप, और उसके बाद था ये डू वाइल लूप। ये दोनों बुक में भी आपके जिक्र हुआ है, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, जो उसमें पढ़ने वाली चीज़ थी वो तो मैं बता चुका हूँ। इन्होंने जो जो गुफ्तगू की है ना, जो उसमें डिस्कशन की है इस बुक में, जाहिर है उसमें छोटी छोटी कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो क्लास में कवर नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि बुक को लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड पढ़ने की कोशिश किया करें, ठीक है। ये टेस्टेड बुक है, क्योंकि बुक पढ़ते हुए ये होता है कि यार पता नहीं ये बुक में काम की बात हुई भी है या नहीं हुई भी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बुक में काम की बात हुई भी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि वर्ड बाई वर्ड इस बुक को आप पढ़ें ज़रूर, उससे आपको छोटी छोटी बहुत सारी डिटेल्स ऐसी मिलेगी जो आपके लिए बड़े काम की हो सकती है। अच्छा, अब 43 चैप्टर जो है ना, वो प्लेसिंग स्क्रिप्ट है। प्लेसिंग स्क्रिप्ट पे हम पहले भी ये डिस्कशन कर चुके हैं 2 से 3 दफ़ा कि जो जावा स्क्रिप्ट होती है उसको प्लेस कहाँ करना है आपने, ठीक है। स्क्रिप्ट का जो टैग है या आप जो एक्सटर्नल फाइल जो है आपकी जावा स्क्रिप्ट की, उसको HTML में किस जगह पे लगाना है। 2 पॉसिबल जगहें हो सकती हैं, एक होता है हेड या टॉप आपका डॉक्यूमेंट के टॉप पे, और एक डॉक्यूमेंट के बॉटम पे, यानी बॉडी ख़त्म होने से पहले, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट को आपको हमेशा बॉडी ख़त्म होने से पहले लगाना है, ठीक है, यानी कि बॉटम पे लगाना है आपने, ठीक है जी। वो खैर है, उसमें भी एक ही बात होगी, लेकिन HTML के बाद ना लगाएं, वो रेकमेंड चलेगा तो सही, वो लेकिन रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि HTML जहाँ पे टैग क्लोज हो जाता है ना, वहाँ पे HTML का डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसके बाद ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है फिर कुछ जो एक तो मेजर ब्राउजर्स है ना, गूगल क्रोम इतना स्मार्ट है कि आप कुछ भी ना लिखें ना, अगर सिर्फ डायरेक्ट H1 लिख दें तो भी चल जाता है, ठीक है, स्क्रिप्ट कहीं भी लगा दें, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे ब्राउजर्स हो HTML का टैग क्लोज होने के बाद की चीज़ को पढ़े ही ना, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि कौन सा ब्राउज़र आपके पेज को एक्सेस कर रहा होगा, तो बेहतर ये है कि जहाँ पे रेकमेंडेड है ना वहाँ पे लगाएं, और सब लोगों को ये पता है कि अच्छा यार यहाँ पे ये चीज़ होनी है, तो वो उसी हिसाब से उसको रीड कर रहे होते हैं। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि अगर पेज के टॉप पे लगाता हूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर पेज के बॉटम पे लगाता हूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इस बुक में चैप्टर में भी यही लिखा भाई, हम कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं जी। अगर मैं स्क्रिप्ट की फाइल को पेज के टॉप पे लगाता हूँ तो क्या होगा, और बॉटम पे लगाऊंगा तो दोनों में क्या फ़र्क है जी। बिल्कुल सही है, अगर टॉप पे फाइल लगी हुई होगी तो पहले रीड कर लेगा उसको जी। यूज़र इंटरफेस ख़राब नहीं होगा, पेज स्लो लोड होगा, पहले जावास्क्रिप्ट को ज़रा डाउनलोड करेगा पूरी फाइल को, वो 1 MB की, 1 MB तो खैर नहीं होती, जावास्क्रिप्ट थोड़ी मोड़ी होती है, मतलब एक वक्त में जो है इतनी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट लोड नहीं होती, तो खैर पेज को थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा, तो कोई मसला नहीं है, पेज स्लो डाउन हो जाए ठीक है, मैं टॉप पे ही लगाना चाह रहा हूँ, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जी। अगर उस जो अगर मैंने फाइल टॉप पे लगा दी तो उसका एक नुकसान ये है कि पेज को स्लो लोड करेगा वो, नंबर 2 नुकसान ये है कि उस फाइल के अंदर अगर मैंने कोई एलिमेंट गेट किया ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके कोई भी चीज़ मंगवाई, वो मुझे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मुझे आखिर में उसको करवाना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, कौन से तरह की जावास्क्रिप्ट ऐसी है जिसको मैं मुझे टॉप पे रखना ज़रूरी है, एनिमेशन वगैरह, ये कोई ऐसी चीज़ जो जिसका ताल्लुक लॉजिक से नहीं है, ठीक है। जैसे CSS जो होती है उसको भी हम इसी वजह से टॉप पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा पेज स्क्रीन पे लोड हो, भले स्लो लोड हो, लेकिन जब लोड हो ना
तो एनिमेशन चलती भी लोड हो, ऐसा ना हो कि पेज लोड हो गया एनिमेशन है ही नहीं, फिर 2-3 सेकंड बाद एनिमेशन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उठ के खड़ी हो गई। ठीक है, मैं अगर ये नहीं चाहता अगर मैं, तो फिर मुझे वो एनिमेशन वाली जो जावास्क्रिप्ट है उसको टॉप पे करना पड़ेगा लोड। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है कि कितने टॉप पे मैं उसको कर सकता हूँ। अगर तो वो एनिमेशन की लाइब्रेरी मेरे किसी एलिमेंट को एक्सेस करती है डायरेक्टली, आमतौर पर लाइब्रेरी डायरेक्ट आपके एलिमेंट को एक्सेस नहीं करती हैं, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। तो लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर वो किसी एलिमेंट को एक्सेस करती है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ फाइल को, जिसमें कोई एलिमेंट एक्सेस नहीं होता उसको टॉप पे कर देता हूँ और बाकी की लॉजिक अपनी फाइल में लगा के उसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो आपकी जो प्रोडक्शन की एप्लीकेशन होती है उसमें हमेशा जावास्क्रिप्ट टॉप पे भी होगी बॉटम पे भी होगी। टॉप पे वो जावास्क्रिप्ट होगी जिसमें किसी किस्म का एलिमेंट एक्सेस किया नहीं जा रहा है और जो फाइलें छोटी होना ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि बड़ी अगर साइज़ में बड़ी है फाइल टॉप पे उसको मैं नहीं लगा सकता, वो बहुत स्लो कर देती है पेज को। ठीक है, तो वो फाइल मिनीफाइड वर्जन होता है .min.js करके, वो वर्जन हर लाइब्रेरी का मौजूद होता है। तो एनिमेशन वगैरह इस चीज़ से रिलेटेड जो होती है लाइब्रेरीज उसको हम टॉप पे रखते हैं और उसका मिनीफाइड वर्जन हम लगाते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारी खुद की लिखी हुई जावास्क्रिप्ट होती है या जिसमें लॉजिक्स होती हैं जिसमें डॉम के एलिमेंट्स एक्सेस हो रहे होते हैं उसको मैं पेज के बॉटम पे लगाता हूँ। ठीक है, तो ये प्लेसिंग स्क्रिप्ट के पूरे चैप्टर में यही जिक्र हुआ है। कॉमेंटिंग के जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉमेंट किस तरह किया जाता है, एक होता है सिंगल लाइन कॉमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कॉमेंट। कॉमेंट तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग यूज़ कर रहे हैं। कमेंट किस चीज़ को कहते हैं, कौन बताएगा कमेंट क्या होता है? ऐसा लाइन ऑफ कोड जिसको वक्ती तौर पे आप रोकना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वक्ती तौर पे ये काम ना करें, चले ना। ठीक है, अच्छा कमेंट हम करते क्यों हैं भला? कोड क्या कमेंट करने के मेनली दो रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, और भी होते होंगे लेकिन मेन रीजंस दो हैं। नंबर एक कि मैं डिबगिंग कर रहा हूँ और वक्ती तौर पे मैं चाहता हूँ कि कुछ कोड रुक जाए ताकि मैं टेस्ट डिबग अच्छे से कर सकूँ डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है ना, कुछ कोड मैं चाहता हूँ रोक दूँ उसको मैं, नंबर एक ये बात हो गई। नंबर दो, कॉमेंट्स लगाने के लिए, असल में कॉमेंट को ईजाद किया गया था कॉमेंट्स लगाने के लिए। कॉमेंट्स क्या होते हैं कि जब भी आप कोई कोड लिखते हैं, कोई एल्गोरिथम लिखते हैं, कोई फंक्शन लिखते हैं, तो ज़ाहिर है टीम होती है, दूसरे लोग भी कल को उस कोड को देखेंगे एक्सेस करेंगे, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप कुछ ना कुछ उसमें कमेंट्स लिखें ताकि कल को आप खुद भी आएँ वापस तो आपको बताओ कि ये क्या किया था मैंने। ठीक है, या जो भी आप लॉजिक बना रहे हैं, जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ आप लिख दें ताकि कोई भी डेवलपर उसको देख ले। कोई ऐसी वार्निंग है जो आप चाहते हैं कि इस कोड को मॉडिफाई अगर कोई करने आए तो उसको ये पता होना चाहिए, तो वहाँ पे मैं वो बात लिख देता हूँ कमेंट के अंदर। ठीक है, तो उस कमेंट को वो एज अ जावास्क्रिप्ट कोड नहीं देखता, एज अ टेक्स्ट वो वहाँ पे पढ़ा रहता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता वो। तो ये मेनली दो रीज़न होते हैं, नंबर एक डिबगिंग पर्पसेस, नंबर दो डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कमेंट करके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे कर दूँ मैं। जी हाँ हाँ, वो जो डिबग होता है ना, एक तो आपके आपका जो IDE है उसमें एक बिल्ट इन फीचर होता है। ठीक है, हमारे पास जो है ना IDE में हम ये काम नहीं करते, जो जावास्क्रिप्ट हम ब्राउज़र में रन करते हैं ना ख़ास तौर पे, उसमें हम IDE पे ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ चाहता हूँ कि इस जगह पे आके ना कोड रुक जाए, तो डीबगर करके कीवर्ड होता है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आके ना मेरा कोड रुक जाएगा, और रुकेगा कहाँ, ब्राउज़र में, जो गूगल क्रोम के डिवेलपर टूल्स हैं वहाँ पे आके ये रुक जाएगा। अच्छा, करके देखते हैं ये। ठीक है, डीबगर ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, गालबन अभी कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने रिफ़्रेश किया, अभी अभी कहाँ पर है कोड, अभी इस जगह पे मौजूद है कोड, है ब्लॉकिंग है ना, रोक लिया उसने यहाँ पे। प्रॉम्प्ट जो है वो क्या है, ब्लॉकिंग कोड है, उसने मेरे कोड को रोक के रखा हुआ, पकड़ के होल्ड करके रखा हुआ। अच्छा, मैंने बोला कि भाई ये 5 है नंबर मेरा, एंटर। अच्छा, जैसे ही मैंने 5 नंबर बोला ना, तो कोड मेरा आगे बढ़ा और यहाँ पे आके रुक गया। यहाँ पे आके जब रुका तो देखो स्क्रीन कैसी नज़र आ रही है, स्क्रीन में मेरे पास कुछ टूल्स आ गए। ठीक है, नंबर एक तो ये कि डीबगर पे ना ये ग्रीन लाइन आ रही है कि कोड का कंट्रोल यहाँ रुका हुआ है। ठीक है, नंबर दो, अब मैं किसी भी वेरिएबल पे हाथ रखूँगा ना, जब होवर करूँगा तो मुझे उसकी वैल्यू बता देगा कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है। मिसाल के तौर पे रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 10 में इस वक्त क्या मौजूद है, 1। इसको जूम इन करके दिखाता हूँ मैं, देखो मैं इस पर जैसे ही होवर किया क्या लिखा हुआ आ गया, 1। यूज़र गेस में क्या मौजूद है इस वक्त,
जो मैंने एंटर किया था वो नंबर है 5, ठीक है। तो इससे पहले के जितने भी, जाहिर है जो जहाँ कोड अभी पहुँचा नहीं है उसको तो खैर आप छोड़ दें, लेकिन जहाँ तक का कोड चल चुका है वहाँ पे वेरिएबल में क्या है वो भी पता चलेगा, वो पता चल जाएगा मुझे। अच्छा, मिसाल के तौर पे यही रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 10 कहाँ आगे लाइन नंबर 38 में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं जाहिर है इस वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है 1, 5, तो क्या ये इक्वल होने वाला है? नहीं होने वाला, मुझे अभी पहले से ही पता है कि ये इक्वल नहीं होगा। तो ये डिबगिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, कोड अब यहाँ सब सब जो भी वैल्यू होगी ना वेरिएबल में, एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, वो दिखा देगा ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखो, अब मैं यार देखना चाह रहा हूँ कि मैथ डॉट रैंडम ने क्या नंबर जनरेट किया था। अच्छा नहीं, वो नहीं मुझे दिखा रहा क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा। अच्छा खैर, अब कोड मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब मेरे पास ना दो ऑप्शन है, ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, पॉज इन डीबगर। अच्छा, इसमें दो बटन है, पहला बटन स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल, ठीक है, इस बटन का नाम क्या है, स्टेप ओवर। दूसरा बटन जो है इसका क्या नाम है, रिज्यूम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। अगर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा ना रिज्यूम का, तो मेरा कोड आगे चल पड़ेगा, आखिर तक जहां तक चलना होगा चल जाएगा, डिबगर हट जाएगा। डिबगर तो खैर नहीं हटेगा, वो अगली आइट्रेशन में फिर डिबगर पे पहुंचेगा, क्योंकि वो जाहिर है ऐसी जगह पे लगा हुआ कि हर आइट्रेशन में डिबगर पे वो आएगा। अच्छा, तो यहाँ रिज्यूम करूँगा ना मैं, तो कोड पूरा रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ, देखो अभी मेरी लाइन 36 पे है ना कोड, मैं चाहता हूँ एक एक लाइन करके आगे जाइए, एक एक लाइन करके आगे जाए, तो मैं ये स्टेप ओवर का बटन दबाऊंगा। स्टेप ओवर का बटन देखो दबाया मैंने, क्या हुआ, अगली लाइन जो भी एग्जीक्यूट होने वाली थी वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या किया मैंने, अब मैंने एक और स्टेप ओवर दबाया। अब कोड कहाँ जाना चाहिए, कंडीशन चेक होने के बाद कोड किधर जाना चाहिए, इफ की बॉडी में या एल्स की बॉडी में? नहीं ना, एक एक लाइन करके चला रहा हूँ ना मैं, स्टेप ओवर कर रहा हूँ। तो डीबगर वाली लाइन में था 36 में, उसके बाद ये आया 38 में, कि बीच में कुछ था नहीं ना, क्योंकि इसलिए 38 में आ गया, 37 में आता अदरवाइज। तो अब मैं स्टेप ओवर करूँगा ना अगला स्टेप, तो ये कहाँ जाएगा, इफ की बॉडी में जाएगा या एल्स की बॉडी में जाएगा? इसमें 1 मौजूद है, इसमें 5 मौजूद, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इफ की बॉडी में तो जाएगा नहीं, एल्स की बॉडी में जाएगा। लाइन नंबर जो भी है, ये लाइन नंबर क्या है, 41। तो अब मैं स्टेप ओवर करूँगा तो ये लाइन नंबर 41 में चला गया। एक एक लाइन करके चलेगा, एक एक स्टेप करके चलेगा कोड हमारा, ठीक है। अच्छा, अब मैं करूँगा नेक्स्ट, तो कहाँ जाएगा ये, वाइल में नहीं जाएगा अभी। अभी जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो हाँ हाँ वाइल में, ये सॉरी, अभी जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये इनकरेक्ट गैस जो है ना ये शो हो जाएगा मेरे सामने, और जब मैं इनकरेक्ट गैस पे ओके का बटन दबाऊँगा फिर ये वाइल में जाएगा। सही है, देखते हैं, स्टेप ओवर किया मैंने, देखो ये डिस्प्ले हो गया, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये वाइल में चला जाएगा, वाइल में चला गया। अब मैं जब एक स्टेप नेक्स्ट करूँगा तो ये कन्फर्म का जो डायलॉग है ये विजिबल हो जाएगा, ये विजिबल हो गया, ठीक है। जैसे ही ओके करूँगा क्या होगा, वो ज़ाहिर ट्रू मिल जाएगा, तो वो दोबारा बॉडी को रन कर देगा, ठीक है, ऊपर आ गया ये, ठीक है। तो जिस तरह ड्राई रन करते हैं ना, ये ड्राई रन यहाँ पर भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये क्या कहलाती है चीज़, डीबगिंग टूल्स हैं, ये डीबगिंग टूल्स हैं ये। अच्छा, इसको ना जो जैसे विजुअल स्टूडियो जो होता है उसके अंदर इसको ये कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स, जो डीबगर करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना जावास्क्रिप्ट में, कुछ जगहों पे इसको ब्रेक पॉइंट्स भी कहते हैं, वीएस कोड में, लेकिन वो अभी ब्राउजर के ऊपर इस तरह काम नहीं करेगा ना, वो जब आप नॉट जीएस करेंगे ना फिर उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी एज अ टेक्स्ट एडिटर ये इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब बाई द वे इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, अगर आप वी एस कोड से कनेक्ट करें ना गूगल क्रोम को, ये कनेक्शन भी हो जाता है, सब हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और मैं जो यूज़ पर्सनली खुद भी करता हूँ वो ये वाला करता हूँ, इसका ये जो आपका गूगल क्रोम का जो डेवलपर टूल है ये बेहतर है, यही सारी चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, वी एस कोड से भी कनेक्ट हो जाता है, ये डीबगिंग टूल्स वहाँ पे भी हैं, लेकिन वो इतने बेहतर नहीं है। बहरहाल, जब हम नॉट जी एस शुरू करेंगे ना, तो नॉट जी एस में क्योंकि वो टर्मिनल पर रन होता है, तो वहाँ पे गूगल क्रोम नहीं होता है, तो वहाँ पे फिर हम वी एस कोड में यही सेम चीज़ वी एस कोड में यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे हम, बोला जैसे लाइन नंबर ये डीबगर लिखा हुआ है ना,
ये भी काम करेगा, इससे भी सेम चीज़ होगी, लेकिन मैं 36 पे आके ना किसी पे आके लाइन नंबर पे देखो ये रेड डॉट लगा दूंगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आके रुकना है, ठीक है। बहरहाल अभी हम ये वी एस कोड का फीचर नहीं डिस्कवर कर रहे, अभी हमने गूगल क्रोम का डेवलपर टूल डिस्कवर किया है आज। जी रिटर्न जो है वो लगता है फंक्शन में, ब्रेक लगता है लूप में, ये फर्क है। इफ में कोई चीज़ नहीं लग सकती, नहीं ना, इफ अगर ट्रू हुआ है तो ब्रैकेट में जो चीज़ है वो पूरी चलेगी, नहीं लग सकता ना, कुछ भी नहीं लग सकता। अब देखो तुम्हारा सवाल अच्छा है, अभी ये कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए, सही है, ये कन्फ्यूजन है, अभी क्लियर कर देता हूँ। अच्छा ये सबको समझ आ गया, डू वाइल कोई इसमें इशू, कोई क्वेश्चंस? ठीक है, अच्छा ये सवाल इनका ज़रा देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। अच्छा चलो इसी पेज पे ही कर लेते हैं ये वाला काम ना, इसी पेज पे ही कर लेते हैं। अच्छा मैंने कहा भाई लेट इज ओपन इक्वल्स टू ट्रू, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मैंने लिखा है इफ़, सही है, इफ़ लिख दिया मैंने। अब इफ़ के अंदर मैंने लिखा इज़ ओपन, इज़ ओपन, सही है, मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग इफ बॉडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया वन, यहाँ पे मैंने कह दिया टू, यहाँ पे मैंने कह दिया थ्री, फोर, फाइव। अब तुम्हारा सवाल ये है असल में, जो मैं समझाऊँ जहाँ तक, कि ऐसा क्या मैं करूँ कि इफ़ की बॉडी ट्रू होने की सूरत में ना ये शुरू के तीन चलें उसके बाद का दो ना चलें, हैं ऐसा, ऐसी यूज़ केस कहाँ पे आएगा पहले तो मुझे ये भी मुझे समझाओ ना, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ी हो? हाँ अच्छा, मैंने कभी ये लगा कि मेरे जहन में कभी ये सवाल ही नहीं आया आज तक। पढ़ने वाले में मैंने किया था कि फ्यूचर की अगर डेट हो, हाँ, वो मैच अगर करता है कि फ्यूचर की डेट है ग्रेटर देन है, इफ में था वो, तो ट्रू हो तो कंसोल में या कहीं लिखा हुआ तो आ था कि डेट ग्रेटर है, कि मैं चाहता हूं बस अब नीचे का ना चले और कोई वो डेट फिर से डाल। नहीं मतलब देखो असल में तुम्हारे पास वैलिडेशन में चार पांच इफ होंगे ना असल में, यही कह रहे हो ना तुम, और वो चारों पांचों इफ एक फंक्शन के अंदर होंगे। अब तुम्हारी बातों का ना दो तीन आंसर है, पहले तो मैं ब्रेक लगा के देखता हूँ यहाँ पे कि ब्रेक यहाँ काम करता है या नहीं करता, ठीक है, नहीं कर रहा है ना, एरर दे रहा है। हाँ उसमें चल रहा है, वी एस कोड में नहीं है वो, तो गूगल क्रोम आपको बताएगा कि चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं वो लाइन तो असल में इस वजह से आ रही है कि वो कोई मेरे पास वो डला हुआ होगा ना कोई, ये कौन मुझे बता रहा है, ये बहरहाल ई एस लिंट वगैरह कुछ होगा वो डला हुआ, वो बता रहा है मुझे ये, ठीक है। ई एस लिंट करके एक एक्सटेंशन होता है, वो कर लो अपने पास। तो ब्रेक तो यहाँ लग नहीं सकता, इसको कोई तरीका नहीं है रोकने का, ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें, ये तो तरीका नहीं हो सकता। असल में आपका जो आपके केस में ये सीन था ना, वो असल में ये था पूरे फंक्शन में, ये क्या था पूरा फंक्शन, वैलिडेशन का कोई फंक्शन था जाहिर है आपके पास, क्या था नाम, क्या था उस फंक्शन का, कैलकुलेट, कैलकुलेट बर्थडे, यही था ना नाम उसका। अच्छा ये जो पूरा इफ था आपका, ये यहाँ पे था, ठीक है। अच्छा इसी तरह के कोई दो चार इफ और भी थे, ऐसा ही है। अब यहाँ पे जो है ना, आप इस जगह पे अगर आप रिटर्न कॉल कर देते हैं ना,
यहाँ पे। अच्छा इफ में रिटर्न नहीं लग सकता, इफ में रिटर्न लगाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन ये रिटर्न असल में किस पे लग रहा है, ये फंक्शन पे लग रहा है, ये फंक्शन पे लग रहा है रिटर्न। तो अब होगा क्या, अभी तो फंक्शन चला नहीं है, अभी सिर्फ मैं जस्ट बना रहा हूँ इस फंक्शन को। जब ये फंक्शन चलेगा, अभी नहीं चलाई, जब चलेगा तो क्या होगा, ये इफ ट्रू हो जाएगा, क्यों, इसमें वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अच्छा वेरिएबल है, कभी हो सकता है फॉल्स भी, लेकिन इमेजिन कर लो कि ट्रू हुआ, ये तीन कॉन्सोल चलाएगा, उसके बाद रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने का मतलब है कि ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, फंक्शन के अंदर जो भी कुछ है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा यहाँ पे उसको रोक के। तो ये तीन कॉन्सोल चलेंगे, ये बाकी का दो नहीं चलेगा। लेकिन ये जो दोनों लाइन है ना आपकी, दिस इज अनरीचेबल कोड। तो अनरीचेबल कोड जो है ना वो वार्निंग क्रिएट करता है, मतलब अनरीचेबल कोड का मतलब है कि आपके प्रोग्राम में जो मर्जी हो जाए ये कोड कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये कोड कभी भी नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे मैं, जैसे ये फंक्शन है ना, मिसाल के तौर पे शुरू में ही मैंने रिटर्न लगा दिया यहाँ पे, मैंने कहा रिटर्न कोई भी वैल्यू ऐसे रिटर्न करवा दी मैंने इससे। अब ये नीचे का जो कोड है ना सारा, ये क्या हो गया, अनरीचेबल हो गया, ये कभी ज़िंदगी में चलेगा ही नहीं। जब जब ये फंक्शन चलेगा, ये रिटर्न हो गया ना, रिटर्न के बाद जितनी भी लाइन होती है फंक्शन में, उसमें से किसी को वो देखेगा भी नहीं कि उसमें है क्या, ठीक है। या इफ़ लगा के, जैसे अभी देखो ना यहाँ पे बीच में ये इफ़ लगा और इफ़ के अंदर कहीं रिटर्न आ गया, तो बस उसके बाद की लाइन को नहीं देखेगा वो। तो अब मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा तरीका है कि इन दोनों लाइनों को, कुछ केस ऐसा हो दोनों लाइन चल जाए, नहीं है, ठीक है। तो ये इन द फर्स्ट प्लेस ये काम हो तो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस ही गलत है। अच्छा फिर हम करते क्या हैं, ऑन अदर हैंड हम करते ही हैं कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई इज वैलिड, ठीक है, बल्कि इज इनवैलिड बोलना चाहिए मुझे यहाँ पे, इज इनवैलिड, वी ए एल आई डी, सही है। अगर इनवैलिड होती है कोई चीज़ तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, कि रिटर्न हो जाए यहाँ से, सही है। मैं बोलूँगा कॉन्सोल डॉट लॉग वैलिडेशन फेल्ड, सही है। एक फंक्शन चला, जाहिर है फंक्शन के चलते ही मैं क्या करता हूँ, पहले मैं फील्ड से वैल्यू उठाऊँगा, अगर डेट बिगर है, शॉर्टर है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, पहले तो जाहिर है मैं फॉर्म पे वो लगा दूंगा लिमिट कि इससे ऊपर नीचे की वो सिलेक्शन ना कर सके, एक तो ये। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे पास ऊपर नीचे की कोई वैल्यू आ जाती है तो मैं यहाँ पर वैलिडेशन चेक करूँगा, इफ़ डेट इज़, अगर आप ये देख रहे हैं कि वो फ्यूचर की डेट तो नहीं दे दी उसने, ठीक है, तो आप ये चेक करेंगे कि इफ़ डेट इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम नाउ, ग्रेटर है तो मतलब फ्यूचर है, तो फ्यूचर वाली डेट में आप क्या बोलेंगे, वैलिडेशन फेल, जो भी अलर्ट दिखाना होगा, कुछ भी दिखाना होगा, वो बोल के आप कहेंगे रिटर्न। ये इसका प्रॉपर तरीका है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन। ये हम कई दफ़ा पहले कर भी चुके हैं, ये हम पहले कर चुके हैं ना, किस में किया था हमने, बर्थडे कैलकुलेटर वाले में किया था हमने, ये किया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, अच्छा बर्थडे कैलकुलेटर में तो जाहिर है वो क्योंकि एक लूप में था वो, तो बात थोड़ी मुख्तलिफ थी यहाँ पे। लेकिन कभी भी कोई फंक्शन आप कॉल करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, ये इस तरह की जो वैलिडेशन है ना, ये चार पांच वैलिडेशन आपकी होती है नॉर्मली, ग्रेड वाले में ये किया था हमने, ग्रेड वाला हमने किया कब था यार, बारह, छोड़ो अभी वो पता नहीं किधर है। तो मिसाल के तौर पे अभी आपने बोला ना कि कैलकुलेट बर्थडे, मिसाल के तौर पे मैंने कहा डेट, लेट डेट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कोई डेट दे दी, न्यू ठीक है 2024 की मैंने डेट बना ली यहाँ पे, सही, एक मैंने 2024 की यहाँ पे डेट बना ली। अब ये डेट मैं इसको मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ कॉन्सोल पे कि ये वाकई 2024 की बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। इस डेट को मैं क्या करवा लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ। अच्छा ये डीबगर कहाँ से आ गया, डीबगर को हटा देता हूँ, तो भाई
सही है, कंसोल पे आ गया मैं, मैंने रिफ्रेश किया, देखो 2024 की ना डेट प्रिंट हो गई यहाँ पर। ये डेट कौन सी वाली है? 2024 की है। अब ये मेरे पास जो है ना, मैं नीचे जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, अब सबसे पहले वैलिडेशन, मैं बोलूँगा कि भाई पहले तो मुझे इसके अंदर आके ना एक अभी की डेट गेट करनी होगी, करंट डेट इक्वल टू न्यू डेट। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मैं यूज़र बर्थडे बल के उसको बोल देता हूँ, यूज़र बर्थडे है ना ये, यूज़र अपना बर्थडे एंटर कर रहा है और हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी 2024 की मैंने। तो अगर यूज़र अपना बर्थडे फ्यूचर का एंटर करता है तो ये मुझे चेक करना है, इज एफ यू टी फ्यूचर डेट, ठीक है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अब अगर डेट फ्यूचर की है तो यहाँ पे चेक हो जाए। मैंने बोला कि यूज़र बर्थडे डॉट गेट टाइम, गेट टाइम से होता है ना, मिली सेकेंड गेट होता है, ठीक है। मैंने कहा यूज़र का जो है वो अगर बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, करंट डेट डॉट गेट टाइम से, ठीक है, अगर ये बात हो जाए तो इसका मतलब ये है कि यूज़र ने क्या कर दिया, फ्यूचर की डेट दे दी है। तो मैं यहाँ पे क्या कंसोल करूँगा, कंसोल या अलर्ट, जो भी आपका मीडियम है इनपुट आउटपुट का, अगर आप स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं तो आप बोलेंगे भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और एरर वाला जो एक आपने रेड कलर का डिफ बनाया हुआ है उसमें आप बोलेंगे कि लिखवा दो भाई ये एरर है। तो मेरा फ़िलहाल अभी कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है। मैंने इसको बोला कि भाई यू एंटर्ड फ्यूचर डेट, सही है, ये बोल के मैंने रिटर्न करवा दिया। अगर ये इफ़ ट्रू होता है तो कंसोल होगा और रिटर्न हो जाएगा, इसका मतलब है नीचे वाले इफ चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये कोड मैं इसमें कमेंट करके रख भी दूंगा, ये वाला जो है नीचे वाले इफ़ हैं, ये वाले इफ़ चेक नहीं किए जाएंगे। अच्छा, जाहिर है अब चूंकि मैंने फॉर्म पे वैलिडेशन लगाई हुई है तो मेरे पास कभी भी फ्यूचर का डेट नहीं आना चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस आ गया तो ये होगा। अच्छा, अगर ये इफ फॉल्स हो जाता है, यानी कि बंदे ने फ्यूचर डेट नहीं डाली है, अगर नॉर्मल डेट डाली है 94 की डाली है, तो फिर ये क्या होगा, इफ़ क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ये इफ जब फॉल्स होगा तो ये रिटर्न नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है कोड फिर आगे कंटिन्यू करेगा। तो इनमें से कोई एक वैलिडेशन भी फेल हो गई ना तो रिटर्न हो जाएगा, कोड वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा उससे, ठीक है। यही था ना तुम्हारा सवाल, वैलिडेशन का तुम्हारा सवाल था, ठीक है। तो इफ के बीच में ब्रेक नहीं लगेगा, ये रिटर्न जो है ना, अच्छा अगर ये इसी को मैं कॉपी करूँगा ना अगर, और इसको फंक्शन से मैं बाहर लाऊँगा तो ये तुम्हें एरर देने लग जाएगा। जैसे ये रिटर्न अभी यहाँ लगा हुआ ना, सही है, कोई मसला नहीं है, इसको मैं बाहर लिखूँगा ये एरर देने लग जाएगा कि इफ़ के अंदर ना रिटर्न नहीं लिख सकते आप। अच्छा, अभी दे नहीं रहा लेकिन बाय द वे है ये एरर ही, सही है, एरर बोल नहीं रहा ये लेकिन है ये एरर। हाँ, इफ की बॉडी के अंदर तो ये है, मगर असल में ये रिटर्न इफ पे लग नहीं सकता, फंक्शन के अंदर लग सकता है। तो अब मुझे ये पता है एरर मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये क्या बोलेगा, कहेगा भाई रिटर्न का कीवर्ड है लेकिन फंक्शन नहीं है, फंक्शन के अंदर नहीं लगा हुआ। ये मुझे देखते हैं चला के, एरर देना चाहिए इसको मुझे ना, रिफ्रेश किया मैंने, देखो आ गया इलीगल रिटर्न स्टेटमेंट, कह रहा है यहाँ पे रिटर्न लगाना इलीगल है, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न लगाना इलीगल है। सही है, वैलिडेशन करके मैंने इसको यहाँ पे कोड को ये वाले को रख दिया मैंने। अच्छा, यही इफ अगर लगा हुआ होगा ना उसमें, अभी तो ये इफ कहाँ लगा हुआ है, फंक्शन में ना, अगर यही इफ फॉर लूप में होगा तो रिटर्न फिर वहाँ पे नहीं, फिर वहाँ पे ब्रेक लगेगा, ठीक है, कि इफ अगर ये हो जाए तो ब्रेक मार लो, लेकिन वो ब्रेक दिखने में तो इफ के अंदर है लेकिन असल में वो इफ का नहीं है, वो उसके पेरेंट पे जो फॉर है ना उस पे है।
ठीक है, तो मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में।